कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में स्थिति बेकाबू हो चुकी है। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, यहां तक कि मंत्री जैसे रसूखदार पद पर बैठे लोगों के रिश्तेदारों को भी बेड नहीं मिल रहे हैं। स्थिति यह है कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जैसी शख्सियत को भी ट्विटर पर गुहार लगानी पड़ रही है। पूर्व जनरल वीके सिंह ने ट्वीट करके भाई के लिए मदद की अपील की है। वीके सिंह ने ट्विटर पर गाजियाबाद के डीएम को टैग करते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे भाई को कोरोना इलाज के लिए बेड की जरूरत है। अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि उनके इस ट्वीट के बाद जबरदस्त हलचल मच गई। सभी को लगा कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के भाई तक को इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में वीके सिंह ने इसे गलतफहमी बताया और दूसरा ट्वीट करते हुए स्पष्टीकरण लिखा। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि मैंने ये रिक्वेस्ट इसलिए की थी ताकि जिला प्रशासन जरूरतमंद आदमी तक पहुंचे और उनके भाई तक मदद मुहैया करा सके। खून के रिश्तों के तहत वो मेरा भाई नहीं है, लेकिन इंसानियत के तहत मेरा नाता जरूर है। मेरे ख्याल में मेरा ये कंसेप्ट कुछ लोगों के लिए एलियन के माफिक था। यानी वीके सिंह ने साफ किया है कि उनका ट्वीट उनके भाई के लिए नहीं था, बल्कि किसी ने उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने सिफारिश के तौर पर उनके ट्वीट को रिट्वीट किया था। वैसे वीके सिंह के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस पर कमेंट किए। किसी ने लिखा कि ऐसे हालात हो गए हैं कि सांसद और पूर्व आर्मी चीफ को अपने भाई के लिए ट्विटर पर मदद मांगनी पड़ रही है, तो किसी ने डीएम गाजियाबाद पर सवाल उठाए। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास को भी लोगों ने टैग कर वीके सिंह के लिए मदद मांगी। श्रीनिवास ने वीके सिंह के ट्वीट पर जवाब दिया है, श्रीमान केंद्र में मंत्री होते हुए भी अगर आप परिवार के लिए बेड की गुहार ट्विटर पर लगा रहे हैं तो कल्पना कीजिए आम आदमी की स्थिति क्या होगी। कृपया अधिक जानकारी डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से भेजें, हम गाजियाबाद या उसके समीप किसी अस्पताल में बेड का इंतजाम कराने का प्रयास करते हैं। हालांकि चूंकि जब वीके सिंह ने साफ कर दिया है कि उनके भाई के लिए उन्होंने गुहार नहीं लगाई थी बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये मदद मांगी गई थी, फिर भी उनके ट्वीट से वर्तमान स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना से अस्पतालों में किस तरह की स्थिति है, जहां पर बेड नहीं मिल पा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।